हेलो दोस्तों, वंस अगेन आई एम बैक विद अ टॉपिक ऑन लीडरशिप। मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है लीडरशिप, टीम बिल्डिंग। आई लव दिस टॉपिक। या 10 साल से ज़्यादा हो गए इसी के ऊपर इन डेप्थ और रिसर्च करते हुए, लोगों के साथ डिस्कस करते हुए, बिजनेस लीडर्स के इंटरव्यू लेते हुए वगैरह वगैरह वगैरह। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये आज का लीडरशिप का सिनेरियो केवल और केवल कॉर्पोरेट लीडरशिप तक सीमित है। या टुडे आई विल टॉक अबाउट 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लीडर। वंस अगेन द आइडिया इज फ्रॉम ब्रायन ट्रेसी। ओके, क्या है पहला? फर्स्ट वन, सेट एंड अचीव गोल्स। गोल सेटिंग करो भाई, लेकिन क्या उतना आसान है? बिल्कुल नहीं। कई बार जिक्र कर चुका हूं, जब तक लीडर को ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, एंड रिजल्ट क्या चाहिए, तो खुद गोल सेटिंग कभी नहीं कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली अधिकतर लोग जीवन में मूविंग टारगेट लेकर चलते हैं। जरा देख लेना भाई, ईयर बिगनिंग में कुछ रखा, फिर देखा टीम इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस, 20% और बढ़ा दिया। टीम ने कहा नो प्रॉब्लम सर, कर लेंगे। 2 महीने बाद एक नौ रिव्यू मारा, 20% और बढ़ा देंगे। दिस नॉट द वे। सेट विद योर टीम, या सेट ए क्लियर टारगेट, क्या एक्सपेक्टेड है। या वंस यू आर क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, आपको चाहिए क्या, सेट विद योर टीम, डिसाइड ऑन द गोल्स, रिसोर्सेज मुहैया करवाइए, प्रोवाइड करवाइए। या फाइन, क्या बिजनेस ग्रोथ चाहिए, क्या प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, क्या ओवरऑल सेल्स चाहिए, क्या प्रोडक्शन लेवल चाहिए। यप, सेट एंड सिर्फ गोल सेटिंग नहीं, अचीव आल्सो। मैंने बताया इनेबलर्स दीजिए, टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए। पहले मैं 2-3 वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं। नेक्स्ट, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टेक डिसीजन। सर, आप जिस भी माहौल में हैं, घर पे, ऑफिस में, समाज में, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हैं, तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। सर, मैं उस आदमी की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करता जो प्रॉब्लम सॉल्वर ना हो। मैं लोगों को इंट्रोडक्शन लेता हूं तो सबसे पहले पूछता हूं, आप किस एरिया में प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, सॉरी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड है। आपका मेरे इर्द गिर्द कोई स्थान नहीं है। यू हैव टू टेल मी एट लीस्ट वन एरिया वेर यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, अदरवाइज गेट लॉस्ट। सिंपल, आई गॉट नो स्पेस फॉर यू। यू वांट टू रिमेन विद मी, यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। या सॉल्व प्रॉब्लम, टेक डिसीजंस। ठीक है, लीडर हैज टू बी डिसाइडर, ही हैज टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। फॉर दिस ही हैज टू बी डोमेन एक्सपर्ट। या हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, सेट प्रायोरिटीज एंड फोकस ऑन की प्रायोरिटीज। माई फ्रेंड्स, लीडर हैज टू बी केपेबल इनफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टास्क एंड प्रायोरिटीज। ही हैज टू बी वेरी क्लियर वट आर द टास्क, वट आर द प्रायोरिटीज, वट आर द टास्क, वट आर द प्रायोरिटीज। सेट प्रायोरिटीज, फोकस ऑन की प्रायोरिटीज। बाकी टास्क है, वेट करेंगे। किसी और को डेलीगेट करना है, वेट करवाना है, नेग्लेक्ट करना है, यस, इसे लीडरशिप डिसीजन। इतनी अक्कल जरूर होनी चाहिए। नंबर 4, इनोवेट एंड मार्केट। हैव एन इनोवेटिव अप्रोच। क्या इसी काम को किसी और एंगल से किया जा सकता है, किसी दूसरे तरीके से किया जा सकता है, जहां टाइम भी कम लगे, एफिशिएंसी भी आए? या फाइन एंड सेल न्यू आइडियाज टू योर पीपल, टू योर कस्टमर्स। बी इनोवेटिव, लगातार सोचते रहें और बेहतर तरीका क्या हो सकता है। नंबर 5, बी ए रोल मॉडल। या बी ए रोल मॉडल। आप चाहते हैं आपके लोग 100% डिलीवर करें? आप चाहते हैं ना आपके लोग 100% डिलीवर करें, तो आपको कितना करना चाहिए खुद एज ए लीडर? 120%, तब जाके 100 मिलेगा। डॉक्टर जॉन जंगर, डॉक्टर जोसेफ फॉकमैन,
जब उन्होंने लीडरशिप का मॉडल बनाया 20 साल के रिसर्च के बाद, दिस का जेंगर एंड फॉकमैन मॉडल ऑफ लीडरशिप, क्लियरली दे रिसर्च्ड ओवर 20,000 डिफरेंट पीपल, देन दे फाइनलाइज कि अगर आप लोगों से 100% चाहते हैं, आपको खुद 120% देना पड़ेगा, तब जाके 100 मिलेगा। क्लियर? टफ है, आसान नहीं है लीडरशिप, बता रहा हूं। नंबर 6, परसुएड इंस्पायर अदर्स टू फॉलो यू। इंस्पायर, क्या लोग आपसे इंस्पायर होने के लिए खाली बैठे? क्या आप किसी कैजुअल वर्कर से इंप्रेस होंगे? क्या आप रिक्शा पुलर से इंस्पायर होंगे? बिल्कुल नहीं। हम किन से इंस्पायर होते हैं? जिनकी अचीवमेंट लाइफ में हमारे से बड़ी है, दैट्स इट। अगर आप दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं तो अपने कुछ अचीवमेंट शो करो ना भाई, रखो सामने, बताओ कि मैंने ये पाथ फॉलो किया और मुझे ये सब मिला, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। कैन यू शो? फाइन, गेट रिजल्ट्स, एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। मैंने बताया था, तिरुवल्लुवर ने बोला था इन हिज फेमस बुक तिरुकुरल, ए लोटस प्लांट राइजेज अप टू द लेवल ऑफ वाटर, पीपल राइज टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर टीम, प्रोवाइड एनेबलर्स, गेट रिसर्च। या सो दीज आर द 7 क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड, 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर रिक्वायर्ड इन ए लीड। या आई मस्ट एक्सपेक्ट दिस 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम अ लीडर। फॉलो दिस एंड बी अ गुड लीडर। थैंक यू।